हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पे। तो आज हम करेंगे हमारा लेक्चर 7, इसका पार्ट 2 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं कराऊंगी, और लेक्चर 1 में हम लोगों ने जैसे कि कंटेंट पढ़ा है इसका, उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर्स अगले अपने पार्ट में करते हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 है, ठीक है। और यहाँ पर अजंता की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, तो उसे जे कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंबल प्लेयर के ऊपर हम लोगों ने जैसे कि कंटेंट स्टडी किया है, तो उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। व्हाट इज़ अ मीडियम ऑफ सिंबल प्लेयर्स स्कल्पचर? तो बताइए मीडियम क्या होगा सिंबल प्लेयर्स स्कल्पचर का, तो क्या है वो? स्टोन। इन विच सेंचुरी वॉज अ सिंबल प्लेयर क्रिकेटेड? सिंबल प्लेयर क्रिएट कब हुआ था? 13th century AD में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ अ मेन थीम ऑफ सन टेम्पल इन कोणार्क? तो जो सन टेम्पल है कोणार्क में, उसका मेन थीम क्या था? वो फोकस किस पे करता है? रिलीजियस एंड सोशल लाइफ, बोथ पे, ठीक है, रिलीजियस एंड सोशल लाइफ पे। हु वॉज रिजाइनिंग किंग ऑफ ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सन टेम्पल इन कोणार्क? ईस्टर्न गंगा किंग नरसिम्हा देव वन। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ सिंबल प्लेयर। तो सिंबल प्लेयर का अपीयरेंस किस तरह से था, हमें वो बताना है। तो कहीं ना कहीं वो राउंड स्माइलिंग फेस में था, और हेयर उनके डेकोरेट थे, उनके हेयर में हेयर बैंड्स भी था, और उन्होंने बहुत सारे ऑर्नामेंट्स भी पहले हुए थे। अब हम करेंगे डिसेंट ऑफ गंगा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो डिसेंट ऑफ गंगा का सबसे पहले मीडियम क्या है, हमें ये पता होना इंपॉर्टेंट है। तो ये भी कहीं ना कहीं स्टोन से बनी हुई है। विच सेंचुरी वॉज अ डिसेंट ऑफ गंगा क्रिएटेड? डिसेंट ऑफ गंगा कब क्रिएट हुई थी? 7th century AD में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ रॉक वॉज यूज फॉर द स्कल्पचर इन महाबलीपुरम? तो किस तरह का स्कल्पचर यूज हुआ था महाबलीपुरम में, हमें ये भी पता होना चाहिए। ये है ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ अ डिसेंट ऑफ गंगा कंसीडर इन टर्म ऑफ इट्स साइज एंड एज? डिसेंट ऑफ गंगा कंसीडर्ड इन द टर्म इट्स साइज एंड एज दैट इट वॉज अ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट स्कल्पचर पैनल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज आइडेंटिफाइज एज अ स्टैंडिंग ऑन वन लेग इन द डिसेंट ऑफ गंगा? तो चलिए गाइज, आप इसका आंसर ज़रा कमेंट करिए, मैं भी देखती हूँ हमारी वीडियोज़ कितने बच्चे देखते हैं, और किस तरह का कंटेंट आपको पसंद है गाइज, आप वो भी हमें कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 7, विच डाइटी इज भगीरथ प्रेइंग टू द स्कल्पचर? तो वो क्या है गाइज? लॉर्ड शिवा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर द डिसेंट ऑफ गंगा स्कल्पचर? तो जो डिसेंट है गंगा स्कल्पचर का, उसका अनदर नाम क्या था? अर्जुना पेनेंस। अब हम करेंगे मदर एंड चाइल्ड के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो मदर एंड चाइल्ड का क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि उनका मीडियम क्या है, तो वो किससे बनी हुई है गाइस? वाइट मार्बल से बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच सेंचुरी वॉज अ मदर एंड चाइल्ड स्कल्पचर क्रिएटेड? तो कौन से सेंचुरी में मदर एंड चाइल्ड स्कल्पचर को क्रिएट किया गया था? 13th century AD में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज दिलवारा टेम्पल नोन फॉर? तो दिलवारा टेम्पल किस तरह के आर्किटेक्चर्स को लेके फेमस था? वो जैन आर्किटेक्चर को लेके फेमस था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ अ नोबल फीचर ऑफ द डेकोरेशन ऑफ दिलवारा टेम्पल? जो दिलवारा टेम्पल का जो नोबल फीचर है वो किस तरह था? बहुत ज़्यादा डिटेल था और इफेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज़ मदर डिपेक्टेड इन द स्कल्पचर? चलिए गाइज, इसका आंसर आप कमेंट करिएगा मेरे को, क्योंकि ये हम लोगों ने स्टडी करा है बहुत अच्छी तरीके से, तो आप इसको कमेंट करके इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द हेल्ड इन मदर्स लेफ्ट हैंड इन द स्कल्पचर? तो मदर ने अपने लेफ्ट हैंड में क्या पकड़ा हुआ है अपने छोटे बेबी द चाइल्ड को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ अ नोटेबल अबाउट द लोटस बर्ड इन स्कल्पचर? तो लोटस जो बर्ड है हमारे स्कल्पचर में, वो हमें क्या बताता है कि वो वेल कार्व्ड है और क्या है, बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस आर लेक्चर, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप पढ़ने के लिए हमारे गाइज, ये हमारा क्रिस्टल ऑल इंडियन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे सारे आपको PDFs मिल जाते हैं इनसे रिलेटेड। अगर आपको चाहिए होते हैं तो एक मैसेज करिएगा, आपको आ जाएगा। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर आपको बहुत ज़्यादा कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसे कॉल भी कर सकते हैं, ऑफकोर्स मैं आपसे बात करूँगी। और ये हमारी ईमेल आईडी है, अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करने की इस तरह का PDF चाहिए या इस तरह का कंटेंट हमें प्रोवाइड करिए, या फिर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स दीजिए, उसको आप स्टडी करवाइए प्रीवियस ईयर को, तो हम वो करवाएंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।